हाँ तो भैया प्यारे राम लाल, राम प्यारे, राम स्वरूप, फल स्वरूप, मतलब जितना स्वरूप हाँ जितना लाल है। अगर वीडियो देखा था ठीक है ना भैया, वीडियो देखा, पढ़ाई करा, पढ़ लिख के आगे बढ़ा। एक दिक्कत तो और आएगी भाई, आजकल पढ़वा लिखवा ना भाई, ब्याह हो ना भाई, सोच लिया पढ़ाई तो परे, नौकरी मिले चाहे ना, ये ब्याह करे भाई ना भाई, ब्याह करे के बाद पढ़ाई परे, कम से कम डिग्री ले लिया भाई, घातांक पता चला, ब्याह में गया पूछ लिया भैया घातांक का नियम बताओ, अब नियम हो ना पता बस क्या बताऊंगा, पढ़े रहा बताऊंगा नियम, भैया ब्याह हुआ करे घातांक का नियम पढ़ लिया आज, और अपनों पढ़ा वीडियो हमारा शेयर कर दिया समझा, शेयर कर दिया दूसरे ने और देखिए उन्होंने ब्याह हुए ना, इतना तो हाँ ब्याह हुए कह पढ़ते भैया ना, और जे ना देखे तो वो ब्याह हुए जी, एक हमारा खुदों पढ़ा चार मैंने वीडियो शेयर करा उन्होंने पढ़े, तो चलो भैया आज पढ़ा जाए अपने सब घातांक के नियम, तो पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ रहा घातांक के नियम में इनके मान निकाला हुआ रहा, कब पढ़ा कर रहा इनके मान निकाला कर रहा, एक दो सवाल लगावा कर रहा जी, मैं एक सवाल लगावा करा खाली वो सवाल में निकाला करा इनके मान, कब निकाला करा इनके मान निकाला करा, आज फिर दो सवाल लगावा जे, एक सवाल भाई एक सवाल के मान निकाले के बाद दूसरे सवाल में इनके मान निकाले भाई, पहला सवाल भाई 81 घात 3/4 पूरे घात माइनस दो और पूरे घात माइनस 1/3 भाई, मतलब लिख दिया एक बार देख लिया कहीं से, तो सुनाए परे ना लिखे परे हमें देख लिया भैया, लिखा हुआ 81 घात लिखा हुआ है भैया 3/4 81 घात कितना लिखा हुआ है 3/4 और यहू घात लिखा हुआ है माइनस दो और पूरे घात जो है ना पूरे घात लिखा हुआ है माइनस 1/3 और लिखा हुआ हो बतावा 1/3 लिखा हुआ है माइनस 1/3 पढ़ लिया भाई बहुत हाँ बिनती भाई आपसे एकदम अनुरोध भाई हाथ जोड़ के पढ़ लिख लिया भाई आगे बढ़ जाएगा नौकरी पा जाएगा 2 रुपया कमा लेगा भाई कमा लेगा जनता है। अब देखा भाई अब हमें एक काम करेंगे का सवाल करेंगे भाई, सवाल के निकाले भाई मान ये सवाल का करेंगे भाई, सवाल के मान निकालेंगे भाई, भैया मान निकले कैसे, मान निकले कैसे बताओ भाई, अरे निकले यहाँ खड़ा ही तो निकले कैसे ना भैया, अपने मन के थोड़ा भाई कहता खड़ा ही एक निकले पर आ जाके मान निकाल कर हाई भाई तुम तेल निकाल दिए भाई क्वेश्चन का एकदम कुछ ना छोड़े भाई, देखा हम आपका नियम बताया रहे हैं घातांक के नियम, जब पढ़वा जाता रहा ना तो नियम बताया रहे हैं, अगर कहूँ लिखा हुआ है एक ही घात यम लिखा हुआ है, एक ही घात और लिखा हुआ है यम लिखा हुआ है, पूरे घात यम लिखा हुआ है, तो एक लिखा जाता रहा एक ही घात यम गुणायन, तो लिखा जाता रहा एक ही घात यम गुणायन लिखा जाता रहा, या तो मान लिया क्यों लिख लिया, लिखा हुआ एक ही घात यम पूरे घात यम लिखा हुआ है, एक ही घात यम पूरे घात यन और वह ऊपर एक घात लगा दिया वो लगा दिया, या तीन घात लग गए इतने संख्या भैया तीन घात लग गए हो तो बहुत घात लगाए रहा है, तो घात घात ना लगाओ यारी यारी खाली घात लगाओ सवाले पे, समझ में आओ बात ना, सवाले पे घात लगाओ बहुत आगे जाओ भैया, देखा पाओ करो एक ही घात यम गुणा यन गुणा ओ, समझ में आई बात, मतलब अगर कोनो संख्या पे घात लग जाए कोनो संख्या पे चाहे जितनी घात लगा दे कोनो संख्या पे चाहे जितनी घात लगा दिया वो घात जितनी बार गुणा हुई है सब घात के घात का हो जाए सब घात का हो जाए गुणा गुणा कई दिन का ना, मान लिया अपने लगे एक सवाल भाई लिखा भाई दो घात तीन पूरे घात 1/2 लिखा भाई, 2 घात 3 पूरे घात माइनस 1/2 लिखा भाई, तो यह ऊपर एक घात लगा दी एक ही ऊपर एक भैया घात लगा दी उनको लिख दिया उनको लिख दिया दुई कब लिख दिया दुई लिख दिया, तो मतलब क्या सवाल कही कहा आंसर आए वो देखा लिख दिन जाए वो भेजिए 2 घात 3 मतलब जितनी घात हुआ था ना कोनो संख्या जितनी घात रहा उतना हो जाए बुरा कहा हो यार अपने दिमाग में ये बात लिया बैठा है जितनी घात रहे कोनो संख्या जितनी घात लाग रहे 2 घात लाग रहे 3 4 5 6 7 8 9 10 चाहे जितनी घात लगा दिया ओके भेजिए भैया गुड़ा करा दे गुड़ा 2 घात 3 गुड़ा माइनस 1/2 गुड़े 2 हो गया भैया गुड़ा आगे बढ़ा आगे बढ़वा जाए कब हो जाए गुड़ा कराओ भैया ये हो जाए अब ऐसे सॉल्व नहीं देख लेंगे ना 3 गुड़े माइनस 1/2 लिखा हुआ है गुड़े 2 लिखा हुआ है या 2 से 2 कट गया कहा होगा 3 गुड़े माइनस 1 बराबर -3 2 घात माइनस 3 आएगा समझ माई बात ही तो रहा उदाहरण ई रहा उदाहरण अब पढ़ा जाए सवाल समझ माई बात कहे से आप सबका बिना उदाहरण के समझ में आवत ही है ना जरूरी है भैया उदाहरण दे से एक बार समझ जावा जिंदगी सुधर जाए फिर से याद दिलाओ तो भैया पढ़े लिख ले बस हो जाए ब्याह तो आप ब्याह हो चार दिन बरात ही जाए पियो ना फायदा रहे और एकदम खुश रहिए कि चलो भैया राम जी ब्याह होगा समझ में आई बात तो भैया पढ़ लिख लिया हो फिर से यो शेयर जरूर कर दिया भाई अपने हित्र मित्र का
एक मिटावत नहीं, अगर स्क्रीनशॉट लेकर ले रहे हैं आगे बढ़ा जाएगा, ऐसा अपन सॉल्व होती है, ये तो उदाहरण रहा बस, चला भाई आगे बढ़ा जाए। तो जब आगे बढ़ा जाए, कहाँ बढ़ा जाए, बहुत आगे कहूँ जा रहा है ना, मैं बैठा मोबाइल लेके टहरने लगा, कहूँ आगे रह जाए वो यही बैठा रहा, हम आगे बढ़ा दें वो बोर्ड पर बढ़े पाए, कदम से ना बढ़े पाए, पता चले चले लगा भाई पैदल मोबाइल लेके गिर पड़ा मैंने देर में। अब देखा कहा मतलब 81 लिखा रहा ना, 81 के ऊपर जितनी घात लाग रही, 81 के ऊपर जितनी घात लाग रही सब पे करा दे घुड़ा, सब पे घुड़ा करा दे, बिना देखे एकदम आँख बंद ही कराओ घुड़ा, आँख बंद के बाद घुड़ा करा जाए, 81 घात रहा 3 बटे जा रहे घुड़ा करा दे, माइनस 2 ही घुड़ा माइनस 1 बटे 3 ले आ, एकदम खतरनाक एकदम गर्दा कह दे एकदम करा दे घुड़ा भैया, 3 बटे ये होगा 3 बटे 4 घुड़ा माइनस 2 ही घुड़ा माइनस 1 बटे 3 ये ले सॉल्व कर दिया बेटा भैया, सॉल्व करा कहा है 3 से गवा 3 माइनस माइनस गुणा प्लस होएगा तो आएगा कितना ही आई है भैया 2/4 आएगा, 2/4 मतलब 1/2 कितना आएगा, एक का सॉल्व करें 1/2 आई है, समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आई भैया, धक्का दिया मिटाए भैया इंडिया मिटाए दिया। आगे लिखा जाए 81 घात कितना आएगा भैया 1/2 आएगा, हो 81 घात आएगा 1/2 और आगे सॉल्व करा 81 का लिख सकता था भैया, हम 81 का लिखा था, मैं कहूँ यहाँ कैसे लिखा जाता है 81 का, 81 लिखा थे 81 = 3×3×3×3 ऐसे लिख दिए थे भाई, मतलब 3×4 और गुणा करा दिया 81 आ गया, मतलब 3×3=9, 3×7=21, एक ऐसे लिखा जाए मतलब 3×4 लिख सकता था भैया, 81 जगह बुला जाता है 3×4 ये लिया 3×4 पूरे घात का और 1/2, और भैया बहुत देर से बताओ थे वो जो हम जितनी घात रहा सब करा दे गुड़ा और कुछ ना करे भाई, एकदम लिया गुड़ा करा दे एकदम गर्दा कह दे गुड़ा करा के लिया, सवाल छोड़ो भाई सब मजाक है वो कुछ ना सवाल वाला ही सब, गुड़ा करा दे कितना हो जाए 3×2=4 ये होगा भैया उत्तर, यही सवाल ही किया उत्तर ले लिया स्क्रीनशॉट बहुत जोर से जल्दी स्क्रीनशॉट लिया, अभी एक सवाल और बताओ है वही दिन खाली एक सवाल बताया था लेकिन आज दो ही सवाल बताओ फिर से निकाला जाइए आपके मान एक सवाल और बार जल्दी स्क्रीनशॉट लिया स्क्रीनशॉट लेगा आगे बढ़ा जाए, चला भाई दूसरा सवाल पढ़ा जाए, आ जाओ भाई अब पढ़ा जाए दूसरा सवाल, वही सवाल में निकालेगा भैया एन के मान कहा निकाले एक बार एन के मान निकाले एक बार, देखा भैया देखा 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 हाँ तो भैया फलस्वरूप हाँ तुम्हारा नंबर भुलाई जाए एकदम पता है तुम्हारा राम स्वरूप नाम भाई फलस्वरूप नाम भाई चला जौन जौन स्वरूप हुए चलो सब सब बढ़िया भाई हो यन की घात इतना भैया माइनस एक ही रहा अपन सवाल ई भाई रहा सवाल वही मन निकाले हुआ है फिर से यन का मान निकाले हुआ है कहाँ निकालेगा बताओ बोल दिन कर बीजे बीजे भाई से मुन निवार में बैठा रहा था ऐसे मजा ना आया पढ़ाव में तो चला भैया फिर से वही पुरान काम की जाए तो जब अपने सब घातांक के नियम पढ़ा जाता ना तो मैं एक रिवाज बजाज को रिवाज का एक ही मतलब बहुत पुरान रिवाज चला हुआ है अगर एक ही घात ज्ञान लिखा पाओ एक घात ज्ञान लिखा पाए तो दोनों खते भैया घुड़ा रिवाज है बहुत पुरान रिवाज है रिवाज एकदम बोले ना भैया पूर्वज नियम देखी गए पूर्वज नियम बताए थे अगर कौन संख्या घात दो लिखी हुआ है कौन संख्या मान लिया चला बताओ कौन संख्या मान लिया चला 7 मान लिया भाई 7 ही घात दो लिखा हुआ है एक ही पूरे घात 3 लिखा हुआ है तो ये वही है 2×3 घती हो जाता घुड़ा घात घात घुड़ा हो जाता है ये बहुत पुरान रिवाज है ये रिवाज बोले ना भाई ना ये बहुत बुरा हो गया तो इतना याद भाई ना तो आगे बढ़ा जाए भाई इसे धीरे धीरे भैया एक एक कॉन्सेप्ट जो भाई ना दिमाग में घुसा ही लिया समझ में आई बात दिमाग बस फालतू चीज भरे नहीं कर रहा सवाल वाल घुसा दिमागे में समझा अब देखा भैया 8 निकाल निकाल आ 8 घात एन माइनस 3 तो एन माइनस 3 और माइनस 1 दोनों के लिए घुड़ा आगे देखा कहा भाई 2×2n-1 बराबर हो जाएगी 8×-n+3 इतना भाई 8 घात अब एक बात और देखा 8 का कौन लिख सकत भैया 8 का लिखा जा सकत है 2×2×2 मतलब 2×3 लिखा जा सकता तो 8 का लिख सकत 2×3 लिया लिख दिया भैया 8 का लिख दिया 2×3 हम 8 की जगह लिख दिया 2×3 पूरे घात लिख रहा है n-n+3 और इधर लिख रहा 2×2n-1 एक स्टेप और लिखा 2n-1 बराबर हो जाए 2 घात फिर से घात घात गुणा हो जाए भैया बुरा क्रम जल्दी जरा थे बहुत तेज है भैया अब एक बात बताया रहे आज ना आप 50 दिन से पढ़ाओ थे घात अंक समझ लिया भैया बहुत तेज एकदम तो हमें कहेंगे गुरु जी हैं ना
यहाँ गुरु जी, यहाँ प्रदीप गुरु जी बहुत तेज दौड़ा के महाराज, एकदम घरे दौड़ावा थे ना दौड़ पापा, साइकिल बैठा के महाराज भाई साइकिल बैठा एकदम वो मार मार दिया ना एकदम समझा रहे एकदम घाता वाला में तेज पढ़वा ना घातांग से तो लॉक कर लगवा लॉक कितना तेज मार दिए एक बार बिना मारे वारे हम पढ़ा दी पढ़ लिया हमें पढ़ा लेंगे तो सोच बाबा कैसे पढ़ावा। अब देखा आधार का हुआ समान भाई, आधार का हुआ आधार भैया समान भाई, आधार समान रहा तो घात भैया बराबर, आधार अगर समान भाई भैया घात बराबर भैया ये समझ माई बात, तो घात दिखाई दे बराबर घात का हुआ यहाँ दुई घात टू एन माइनस वन भाई, यहाँ दुई घात कितना भाई तीन गुणे एन माइनस माइनस एन प्लस तीन भाई, तो घात दिखाई दे बराबर घात भैया टू एन माइनस वन बराबर तीन गुणे माइनस एन प्लस तीन समझ माई बात, समझ रहा समझा था बात का भैया। तो अब यहाँ निकाले भाई एन के मान कब निकाला थे एन के मान, तो भैया ये क्या है सुंदर मुंदर बना दी थी डिब्बा, कब बनाई दी थी डिब्बा बनाई थी ये अभी यहाँ पर डिब्बा ये डिब्बों को धरे ना रखवा लगा हुआ है, और सरोवर कहाँ तो पहुँचा रहा है टू एन माइनस वन बराबर ना टी माइनस एन प्लस तीन, ये रहेगा भैया सवाल आई डब भैया कई दिन का सवाल बहुत तेज सवाल कीजिए एकदम मजा आए थे। अब देखा भैया तीन में गुणा कराई दिया भैया माइनस तीन एन प्लस तीन तरीका है तीन तीन गुणे तीन कितना हुआ, तो तीन गुणे तीन हुआ थे नौ तीन तरीका नौ भैया। अब ये इधर ले आओ टू एन इधर आए प्लस भैया बराबर ठीक भाई, तो कितना हो गया भैया तीन तीन पाँच हो गया पाँच एन बराबर दस एन बराबर हो गया दस बटे पाँच दस बटे पाँच एन बराबर हो गया भैया दुई एन के मान कितना आएगा भैया एन के मान आएगा दुई भैया, इतना प्यार से सवाल लगाओ इतना आराम से लगाओ जो एन के मान आए एकदम हो एकदम देख के एकदम खुश हो गया ये देखा ये एकदम खुश हो गया कहा तो हमारा मान दुई आएगा लिया इतना बढ़िया मान आओ बताओ एन के भैया आपके समझ में आवत भाई सवाल हो गए भैया पढ़ लिख लिया भाई फिर से याद दिलाओ थी हम फिर से याद दिलाओ थी पढ़ लिया ब्याह ना हुए अब ब्याह ना हुए तो बिना ब्याह समझा था भाई कत्थो लाए तो रह जाएगा, तो भगवान क्या मेरे एक बात जाओ भगवान कहीं इतना लंबा उम्र दिन भैया करे गाँव जिंदगी आ गए कहो बताओ वो गाँव करें कहीं ससुर ब्याह ना दे पाया अपन, तो भैया यस कुछ ना करा हो हुआ जाए एक बार पछता पड़े दो गाड़ी में सुनगा पढ़ लिख लिया भाई मिला जाए फिर अगले लेक्चर में अगले लेक्चर फिर मिला जाए फिर ऐसे पढ़ा जाए एकदम गर्दा गरी जाए पढ़ पढ़ के यही जो सही रिखा पढ़ा जाए, और कमेंट जरूर करे भाई पढ़े बात बताया जरूर मजा आई ना आई, और मजा ना आए तो एकदम पैसा वापस मजा ना आए तो पैसा वापस भाई एक एक रुपया आए कि पैसा वापस हो जाए, और दूसरी बात पढ़ लिया बढ़िया था एकदम भाई एक गुरु जी और पढ़वाया होता है उन्हें जो केरलो बैठा मार रहे अब भाई आओ था पढ़ा आज पढ़ेंगे लॉग से सवाल कब पढ़िए लॉग पढ़िए पढ़ा और मजा आए, चला भैया मिला जाए अगले वीडियो में तब तक के लिए जय सीताराम।